छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर अकाल दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज जो वर्तमान सरकार है छत्तीसगढ़ में पुराने सरकार से दोगुने भर्ती करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन आज 6 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं कर पाई है। आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करें। जो साथी नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले की सरकार में 30,000 से भी अधिक पद निकाली गई थी जिन पर भर्ती हुई है। PSC में इस साल कोई नई वैकेंसी नहीं निकली है। सबसे पहले एक पेपर कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। युवाओं के लिए खबर है, पहले साल भर में दर्जन भर से भी अधिक वैकेंसियाँ निकलती थी CGPSC में, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भर्तियों को लेकर अब सूखा की स्थिति आ गई है। पुराने सरकार द्वारा हजारों की संख्या में भर्ती निकाली गई और भर्ती में ज्वाइनिंग भी दी गई, लेकिन हम पुराने सरकार को लगातार, जब पिछली सरकार थी तो हम बार बार कोसते थे, लेकिन वास्तव में वही सरकार बेरोजगारों के लिए, वही सरकार युवाओं के लिए हितैषी साबित हुई है। प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि हम पिछले सरकार से दोगुनी भर्ती करेंगे। अगर मैं मामला ले लूँ सिर्फ शिक्षक भर्ती का साथियों, तो आप जान रहे हैं 14,580 पद शिक्षक भर्ती 2019 में भर्ती हुई, उसके बाद 12,000 के आसपास भर्ती 2023 में शिक्षकों की हुई। मोटी मोटा मैं बात करूं तो इनमें केवल आप 25,000 ही मान के चलें, 25,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। ये केवल शिक्षा विभाग का आंकड़ा है। इसके अलावा 1400 से भी अधिक पदों पर आपका उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की गई, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, अन्य जितने भी विभाग हैं उन तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों को, अगर हम सभी विभागों की भर्तियों को जोड़ें तो शासन द्वारा 30,000 से भी अधिक भर्ती पिछले सरकार द्वारा की गई है। लेकिन नई सरकार की मैं यदि रूपरेखा की बात करूं तो आज की स्थिति में अभी तक किसी भी प्रकार की इस तरह की जो भर्तियां अभी सुनने को नहीं मिल रही है। पिछली बार बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई थी पिछली सरकार के कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है युवा बेरोजगारों को। यही कहा जाता है कि हम पिछले सरकार से दोगुना भर्ती करेंगे। आखिर वो दोगुना भर्ती होगी कब? क्या शासन काल के 4 साल बीत जाने के बाद केवल चुनाव में ही, चुनाव के पहले साल में ही वो भर्ती होगी? अगर आप दोगुनी भर्ती चाहते हैं, दोगुनी भर्ती करना चाहते हैं, तो भाई आज से अगर आप उसकी शुरुआत करेंगे तभी आप पिछले सरकार की तुलना में दोगुनी भर्ती कर पाएंगे। पिछले सरकार के पास एक भयावह स्थिति थी, कोरोना जैसी महामारी होने के बाद भी उन्होंने 30,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती किया, लेकिन वर्तमान सरकार के पास ऐसी कोई भी स्थितियां नहीं है जिससे कि वो भर्ती को लेकर किसी प्रकार से बहाना कर सके। तो आखिर सरकार क्यों युवाओं को, क्यों बेरोजगारों को ठग रही है? एक ओर जहां 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई थी, मुख्यमंत्री जी के भी द्वारा कही गई थी, लेकिन आज तक वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी के द्वारा नहीं कही गई है। जबकि युवाओं के हितैषी के रूप में हम OP चौधरी सर को देखते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है, आज युवाओं को जमीन में आकर के विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है ताकि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती आए। इसके लिए छत्तीसगढ़ BEd-DEd संघ द्वारा 22 जुलाई को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ BEd-DEd कला कल्याण संघ के द्वारा भी विधानसभा घेराव को लेकर सहमति बनी हुई है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? प्रदेश में ऐसी स्थिति आखिर क्यों निर्मित हो रही है? तो भाई वजह एक ही है, प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती नहीं आ रही। दूसरी ओर शासन को इसके लिए सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक जवाब देने के बजाय उनके द्वारा यह कहा जाता है कि 1% लोग को ही नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो भाई किसी भी पद की बात करें, जब राजनेता ही चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में एक अकेला इंसान नहीं होता, खड़े होने वाले 20, 25, 30, 35 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विजयी तो एक ही होते हैं, एक ही के सर पर ताज होता है। तो क्या उसी को, उसी
एक कहना चाहिए परिणाम को देख करके यदि हम सामने मैदान में नहीं उतरते हैं ये तो हमारे साथ गलत है भाई। मेहनत से ही सफलता मिलती है और मेहनत की सफलता तभी मिलेगी जब उनको अवसर मिलेगा। तो युवा नौकरी नहीं अवसर मांगता है भाई। अगर सभी युवा नौकरी मांगने लगे तो सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं अवसर चाहिए, और अवसर तब मिलेगी जब आप भर्ती दोगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से यही गुहार है भाई कि सभी युवाओं को, युवा बेरोजगारों को अवसर दिया जाए भर्ती निकालकर। यदि आप भर्ती निकालेंगे उनको अवसर मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग भी कर पाएंगे। ये पेपर कटिंग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों के हित में कोई सकारात्मक फैसला नहीं ले रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर देने से, सिर्फ दुगनी भर्ती आएगी कथन कह देने से भर्ती नहीं आती। भर्ती यदि निकालना है तो वास्तव में कागजी रूप में नहीं बल्कि आप जमीनी स्तर पर वास्तव में आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए, नौकरी का नोटिफिकेशन निकालिए ताकि सभी युवाओं के चेहरे खिलेंगे और युवाएं, युवा साथी अवसर को प्राप्त करेंगे और इस अवसर से वह अपने भविष्य को सुनहरा बना सकता है। इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा साथियों, बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। किसी भी प्रकार से यदि अपडेट हमें प्राप्त होती है नौकरी से जुड़ी हुई, सरकारी विभागों की नौकरियों से जुड़ी हुई, आपके क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर से भी अगर जुड़ी हुई जानकारियां हमको प्राप्त होती है तो हम आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। सीजी जॉब एजुकेशन आप तक साझा करने का प्रयास करता है, तो जुड़ेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।